वेलकम बैक माय चैनल टू रास्ता। आज हैं एक रसोई गैस संबंधित जानकारी के साथ। आज जो है हम आपको बताने वाले हैं कंपोजिट फाइबर सिलेंडर के बारे में कि वो कैसा होता है, कितना वेट होता है, कितने में जो है उसका रिफिल प्राइस क्या है, क्या उसमें सब्सिडी है कि नहीं, और इसको कनेक्शन लेने जाएंगे तो क्या सिक्योरिटी मनी मिलेगा। सारा कुछ आज हम कंपोजिट फाइबर सिलेंडर के बारे में बताने वाले हैं, साथ ही साथ लाइव भी दिखाने वाले हैं। चूँकि बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि कैसा होता है फाइबर सिलेंडर, बहुत से लोगों को भी जानकारी नहीं है, सभी लोग पुराने वाले सिलेंडर के बारे में ही जानते हैं। तो चलिए हम लाइव दिखाते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे, यही है कंपोजिट फाइबर सिलेंडर। जी हाँ, ये फाइबर सिलिकॉन का बना होता है। इस पर मैंने प्रॉपर और भी सारा वीडियो बनाया हुआ है। आज मैं इसके खासियत के बारे में बताता हूँ। तो सबसे बड़ी जो खासियत वो ये है कि ये जो है लाइट वेट होता है, यानी कि बिल्कुल हल्का होता है। जो वो सिलेंडर सिर्फ 15 kg का होता है, आप समझ सकते हैं कि इस ये टोटल रिफिल के साथ 15 kg है, यानी कि आपका इसका जो है गैस इसमें 10 kg है और 5 kg का आपका जो ये सिलेंडर हो गया, यानी ये टंकी हो गया। टोटल 15 kg का ही इसका वेट है। तो कितना लाइट वेट है आप समझ सकते हैं कि कितना हल्का ये है। अब बात रही इसकी जो है गैस के बारे में, ये किचन में कैसा काम करेगा, तो ये स्मार्ट किचन को देखते हुए बनाया हुआ है। ये नीचे रखेंगे तो कहीं दाग वगैरह कुछ नहीं इसमें आने वाला है। साथ ही साथ ये पारदर्शी भी बनाया गया है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यानी कब गैस ख़त्म होने वाला है इससे ये भी अंदाज़ा आपको मिल जाएगा। ये चीज़ हुआ। और इसका अगर हम रिफ़िल प्राइस की बात करें तो वो 860 रुपये अभी चल रहे हैं, और सब्सिडी की बात करें तो इसमें सब्सिडी बिल्कुल नहीं मिलता है। अब रही बात इसके कनेक्शन के बारे में कि इसका कनेक्शन कैसे लेंगे, तो कनेक्शन लेने के लिए आपको जो है इसका सिक्योरिटी मनी जो है आपको जो पे करना होगा वो आपको 3500 पे करना होगा, इसका सिक्योरिटी मनी पे करना होगा, और उसके बाद जो है आप इसका जो है उपयोग कर सकते हैं। बड़ा ही लेटेस्ट ये है, बहुत ही बढ़िया मुझे लगा। और भी इसके बारे में जानकारी चाहिए तो आप जो है कमेंट सेशन में कमेंट करेंगे, मैं और भी जानकारी देने का प्रयास करूंगा। और कुल मिलाकर मुझे ये अच्छा लग रहा है कि इसका वेट जो है बिल्कुल 15 kg में सब कुछ है, यानी कि सिलेंडर भी और इसमें गैस भी सब कुछ 15 kg में ही आपको मिल जाता है। जबकि उसका वेट ग्रोस वेट हो जाता है 30 kg अप्रोक्स, यानी 15 kg का टंकी होता है और 14.2 kg गैस, यानी कुल मिलाकर के 29-30 kg अप्रोक्स वो हो जाता है। तो यही देख सकते हैं आप। एक बार मैं इसका व्यू टोटल दिखाने का प्रयास करूँगा।